बाग में जिसके है राजस्थान, सांगानेर की जो है शान, रग रग में जिसके है राजस्थान, सांगानेर की जो है शान, सेवा ही धर्म है जिसका करता जो, सबका सम्मान जिन सत्ता के जो कर गया ढेरों काम, ढेरों काम। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। हर घर दवार राशन पहुंचाया, ओ सबका सहयोग किया कोविड में, हर घर दवा पहुंचाया, संकट जब आया तो माता पे तूने धर्म अपना निभाया, सड़कें हो या शिक्षा हो, लोगों की सुरक्षा हो, भूलेंगे ना तेरे की ये काज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज। 51 लिए है प्राण, सुन लो बात जी, होगा मसलों का निवारण हाथों हाथ जी, हो 51 लिए है प्राण, सुन लो बात जी, होगा मसलों का निवारण हाथों हाथ जी, सच्चा जन का सेवक है, योग है, अंधक है, जनता का होगा राज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीते जनता का होगा राज रे, हो सबका सहयोग किया कोविड में, हर घर दवा और राशन पहुंचाया, संकट जब आया तो माता पे तूने धर्म अपना निभाया, सड़कें हो या शिक्षा हो, लोगों की सुरक्षा हो, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जन सेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। 51 लिए है प्राण, सुन लो बात जी, होगा मसलों का निवारण हाथों हाथ। हाँ तो अंशुल भाई कैसा रहा रोड शो? अरे भाई हाँ भाई, अजय भैया मजे ले लिए गाड़ी में, क्या करे था अजय, क्या क्या करे, चलना चाहिए था पैदल पैदल, साइड में भगना चाहिए था, अब चलेंगे ना मिल्खा सिंह की तरह, दौड़ना चाहिए था ना। और भाई कार्तिक फिर कैसी लगी रैली आज? रैली में तो देखो मजा आ गया, बाकी रैली के अलावा भी आप लोग देख सकते हैं बढ़िया, अभी मेरे जितने भी भाई है यहाँ पे मेरे साथ में गाड़ी में, उन सब लोगों को थोड़ा सा हम लोग मुँह मीठा कराएंगे, ठीक है, जीप का मुँह मीठा आज ही करवा रहे हैं लोगों का, बाकी के खाने के बाद में स्वीट डिश भी तो होनी चाहिए ना। तो साथियों जैसा आपने देखा कि आज अपने बहुत ही शानदार रैली निकाली थी, इस रैली का प्लान अचानक से बना था, ठीक है, मैं कल रात को बढ़िया अपने प्रचार कर रहा हूँ, तो बबलू भैया का फोन आया मेरे पास में, यार कार्तिक कल सुबह बाइक रैली निकालेंगे, तो मैं निकाल लो भाई क्या दिक्कत है, अपन प्रचार तो कर ही रहे हैं, बाइक रैली और बढ़िया रहेगा, तो बस अचानक से प्लान बना और सुबह सुबह इतनी शानदार बाइक रैली निकली ना, मज़ा आ गया, मतलब मेरे हिसाब से आधा सांगनेर ये सोच रहा होगा
पहले तो क्या थोड़ी सी मेरे पापा की शक्ल मैच करती है, मेरे को अंकल आके बोले, अंकल बोले पुष्पेंद्र जी कैसे हो, मैंने बोला अंकल मैं कार्तिक हूँ उनका बेटा, और यार आप तो यार पहचान में ही नहीं आ रहे नेताजी से लग रहे हो, तो मैंने कहा अंकल शक्ल थोड़ी सिमिलर है ना, तो मेरे को लग रहा है आधे सांगे मेरे को ये लग रहा होगा कि आप पापा ही बैठे हुए थे। पापा की रैली अलग जगह पर चल रही है, पापा की और भी बड़ी रैली चल रही है, हजारों की भीड़ है, आपको वो भी दिखाएंगे। बाकी कल हो रही है हमारी महारैली सांगानेर के अंदर, जिसके अंदर गिन नहीं सकता मैं, देखो एस्टिमेट नहीं बता सकता, उसके अंदर कोई आइडिया नहीं है मेरे को, उसके अंदर अपने जितने भी समर्थक है ना सारे के सारे लोग आएंगे, ए टू जेड सांगानेर का एक एक आदमी आएगा जो हमको प्यार करता है कल के दिन, और कल निकलेगी महारैली। तो अभी तो सारे भाई खाते हैं यहाँ पे जलेबी, पर बाद में छोड़, हाँ सबसे पहले मैं खाऊंगा। खा ले मेरे भाई, खा ले, तू यार भाई है मेरा, तू तो मेरे हाथ से खा, तेरे को भाई खाओ, भाई खाओ, अरे ना खाओ, मुँह मीठा करो यार, मेरे हाथ से करो भाई। जन जन का स्वाभिमान है, जन सेवक ही पहचान है, है पुष्पेंद्र वो भारद्वाज, वो सांगानेर की शान है, वो सांगानेर की शान है। संकट में सबके साथ खड़ा, हक के लिए जो सदा लड़ा, जिसकी अपनी एक हस्ती है, लगन सेवा की मस्ती है। साथियों जैसा कि आपको पता है हम डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इतने दिन बाद हमारे अयान भैया। भाई क्या हालचाल दे रहे भैया, आप बताओ आपके हालचाल कैसे? मेरे हालचाल तो बढ़िया, अपने अंकल को एकदम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अंकल ने इतने कार्य करवाया, अभी खुद देख कार्तिक के भाई सब एकदम डोर टू डोर सबसे मिल रहा है, आपको बता रहा है कि अंकल ने क्या क्या कार्य करवाए, और जो बीजेपी का नेता था उसने कुछ भी नहीं करवाया, तो जनता तो देख ही रही है, देख भाई जनता तो देख रही है, और सबको पता है कि भाई इस बार कांग्रेस है और सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज ही जीतेगा। और यार बात यह है ना कि लोगों को पता भी है, समझ भी आ गई कि किसने काम कराया, किसने वो तो है, देख भाई 5 साल जो अभी थे वो था बीजेपी का नेता था, उसने ना तो वो लोगों से मिला ना उसने काम करवाए, और पुष्पेंद्र अंकल ने पहले वो MLA थे भी नहीं, तब भी उन्होंने इतने काम करवाए और इतने स्कूल खुलवाए, बहुत सारे कार्य करवाए। आप तो 5 साल बोल रहे हो, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल से बीजेपी तो, हाँ सॉरी बीजेपी 20 साल से और क्या, तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं कराया, अगर काम कराया होता तो इस बार भी बीजेपी आती, पर इस बार काम कराया बिना पद के, तो बहुत बहुत काम करवाए भाई, स्कूल खुलवाई है, इतनी सारी रोडे बनवाई है और बहुत सारे कार्य करवाए। आपको पता है साथियों कल हमारा इतना बड़ा रोड शो होने वाला है भैया, आपको भी बता रहा हूँ, मेरे को खुद को पता है यार, वाला कल आखिरी रैली होने वाली है, कल आखिरी दिन है प्रचार का, कल मतलब ये है कल के बाद नो प्रचार और फिर 3 दिन बाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी वोटिंग वगैरह, और फिर 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, जिसके अंदर सबको पता ही है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जीत रहे हैं, तो बस जीत गए। कल अगर जो रोड शो होने वाला है ना वो इतना तगड़ा हो, तगड़ा ही होगा, जो अपनी विपक्ष पार्टी है ना, जो अपनी विपक्ष पार्टी है वो देख के हिल जाए, और हमारे ओहो वाओ क्रिकेट, विपक्ष को कोई जानते नहीं, वो भाई 200 किलोमीटर से दूर से है, उसका नाम भी मेरे को याद नहीं, बस शर्मा याद है कुछ नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई जो भोकाल होगा ना कल, जो कल अपने रोड शो करने वाले हैं उसमें विपक्ष वालों को दिख जाना चाहिए कि भाई क्या करने वाले हैं, पहले दिख चुका है। हाँ ये तो है, ये तो है यार, दिख चुका है, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल के दिखा दिया है कि वो कितना सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कि वो अपने जो पुराने सिटिंग MLA थे उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये भरोसा ना करने का कारण सिर्फ यही था कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 5 साल बिना किसी पद पर रहते हुए जनता की सेवा करी है, उससे बीजेपी की अंदर का सिस्टम हिल गया है पूरा, तो उन्होंने प्रत्याशी चेंज किया, सोचा क्या पता ये जीत जाए, लेकिन वो प्रत्याशी पर डर चुका है, और कल के दिन के बाद तो वो और डर जाएगा। तो भूपेंद्र भैया आज आपको कैसा लगा मेहनत करके, आज आपने देखा ना रोड शो कितना खतरनाक था, कल इससे भी जबरदस्त होने वाला है। अरे वाह, वो तो पता ही है सबको, पता है आप कहाँ से हो? जयपुर से ही हूँ। नाम बताओ। नाम क्या है? भूपेंद्र। अच्छा क्या नाम है? भूपेंद्र। US में कहाँ घूमे हो? नहीं, सांगानेर में कहाँ घूमे हो? पूरी विधानसभा का चप्पा चप्पा घूम लिया। अच्छा नाम बताओ। भूपेंद्र। तो साथियों आपको भी पता होगा ये वीडियो वायरल हो रही है, भूपेंद्र जोगी आ गए जी, हमारे यहाँ पे भी एक भूपेंद्र जोगी है जो कि हमारे भैया है। तो साथियों
मिलते हैं। कोई अब अनजान है, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो सांगा ने